टू माई चैनल। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने घर पे ही हेयर सैलून सर्विसेज लिए। मैं आज आपको एक छोटा सा बताऊंगी, एक क्विक रिव्यू बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा, कैसा मेरा ऑनेस्ट फीडबैक है, और जोधपुर में कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो घर पे अवेलेबल हैं, उनके क्या किस तरीके से उनकी यू नो सर्विसेज हैं, कैसा प्रोवाइड कराते हैं, और कितनी अच्छी हैं, कितनी बुरी हैं, और क्या इनकी सारी चीजें, तो उसका एक क्विक अपडेट हम देते हैं आज। डेढ़ दो साल पहले जब कोविड हिट हुआ था, तो उस टाइम पे गेट लुक करके एक सर्विस है जो बेसिकली बैंगलोर और साउथ के बहुत सारे मेजर मेट्रो सिटीज में अवेलेबल है। जैसे अर्बन क्लैप होता है, और इन सब में जो भी सैलून सर्विसेज जो होम पे अवेलेबल होती हैं, इसी तरीके से गेट लुक भी सेम वैसा ही है। ये डेडिकेटेडली ब्यूटी पार्लर वाला कॉन्सेप्ट है। लाइक सैलून सर्विसेज है, जो भी सैलून के अंदर जो जो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं वो सारी इसमें अवेलेबल हैं। ये घर पर आते हैं, आपको बुक कराना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही है। जोधपुर में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, तो जब मुझे ये चीज पता चली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे लिए उस टाइम पे बाहर जाना बहुत मुश्किल था। मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, और मुझे पता था कि मतलब यू नो बच्चे के होने के बाद में बाहर जाना कितना मुश्किल है, सारी चीजें। तो जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने बुक कराई। मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया इसको लेते हुए। और गेट लुक नाम से सर्विसेज है, और इसकी एक ऐप है गेट लुक की, आप उसको डाउनलोड करिए। iOS एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। उस पे जाइए आप, और इसके अंदर जो जो आपको सर्विसेज चाहिए वो आप अपनी बुक करिए। टाइम स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, ब्यूटिशियन अवेलेबल होती है कि आपको कौन सी ब्यूटिशियन चाहिए, उसके उन सारी ब्यूटिशियंस के यू नो एक्सपीरियंस शेयर होते हैं उसमें, कि कितने ब्यूटिशियन को कितना एक्सपीरियंस है और किस चीज़ में मास्टरी है, सारी चीज़ें हैं। टाइम स्लॉट्स बता होता है। जो अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, एक तो सबसे पहली चीज़ घर पर आते हैं और ये पूरा अपना सेटअप लेकर आते हैं, बहुत हाइजीन तरीके से, बहुत यू नो प्रिकॉशंस के साथ में सारी चीजें करते हैं। एक जो मुझे जो मेरे साथ चीज सूट नहीं हुई, जो मुझे बहुत दिक्कत होती है अभी भी, इनके टाइमिंग्स के बहुत प्रॉब्लम है। लाइक सपोज करिए, जैसे मैंने 1:30 बजे का 1:30 का दोपहर में रखा टाइमिंग, तो इनको आते आते 2 बज जाते हैं। लाइक वो 15-20 मिनट ऊपर नीचे होता है, दो इट इज यू नो एडजस्टेबल, ये एक्सेप्टेबल होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास वही एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब चीकू सो रहा होता है, या मेरे पास वही पर्टिकुलर टाइम है कि जिस टाइम मैं सिर्फ डेडिकेट कर सकती हूँ। अगर उसमें 15-20 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाता है तो मेरा पूरा दिन का शेड्यूल खराब हो जाता है। ये एक चीज थी जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती इन लोगों के साथ में। बट ओवरऑल बहुत अच्छी सर्विसेज है, ब्यूटिशियन बहुत अच्छी है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपर्टीज है उन्हें हर एक चीज की। आप चाहे कोई भी सर्विस उठा के उनसे करवा लीजिए, वो बहुत अच्छे से करके जाती है। मैंने जस्ट आज हेड मसाज लिया है, पेडिक्योर लिया है, और थ्रेडिंग कराई है, दैट्स इट। मैंने और बहुत ज्यादा कुछ नहीं कराया। हेड मसाज बहुत अच्छी करी, स्पेशली जो मसाज वाला पार्ट है ना, लाइक हेड मसाज हो गया, बैक मसाज हो गई, बॉडी मसाज हो गई, वो इतनी अच्छी होती, इतनी रिलैक्सिंग होती है, बहुत नॉमिनल प्राइस है। लाइक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, जितना मैंने जितनी जो चीजें बुक कराई है उसकी बहुत ज्यादा सर्विसेज है, बहुत ज्यादा उनसे ले रहे, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा है ओवरऑल मेरे हिसाब से। मैं अगर 5 में से इसको रेट करूं तो मैं करूंगी 4 रेट, क्योंकि 1 मैं इसलिए कट करूंगी, टाइमिंग का बहुत दिक्कत रहता है। जिस टाइम पे बुक करा दो उस टाइम पे वो कभी नहीं हुआ। आज तक का रिकॉर्ड है कि जिस टाइम पे मैंने बुक करा उसके हमेशा आधे घंटे बाद में, या 15 मिनट बाद में, 20 मिनट बाद, कभी कभी तो 1 घंटे बाद में भी आई है। तो एक टाइमिंग वाली चीज को अगर साइड रख दें हम, अगर आपको टाइम का इशू नहीं है, तो ओवरऑल बहुत अच्छी सर्विस है। अगर आप जोधपुर में रहते हैं और अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं कि कोई घर पे आके सर्विसेज हो जाए, तो ये बहुत अच्छा है। आजकल वैसे तो मेजरली पार्लर, जो भी अच्छे अच्छे पार्लर के ब्रांड्स हैं जोधपुर में अवेलेबल हैं, वो घर पे सर्विसेज देते हैं। बहुत सारे सर्विस है जो जस्ट 1 कॉल अवे होता है, आपको कॉल करना है, एंड यू नो दे विल बी अवेलेबल एट योर होम। नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करा देते हैं। बट मैंने आज तक 2-3 लिया है, लोकल पार्लर से ही लिया है, कोई ऐसे बहुत नहीं लिया, लेकिन मुझे सूट नहीं किया। लाइक जो एक्सपर्टीज होनी चाहिए, जिस तरीके से करना चाहिए पार्लर में, क्योंकि मैं नंबर ऑफ पार्लर्स में जा चुकी हूँ, मैं नंबर ऑफ ब्रांडेड पार्लर्स में जा चुकी हूँ, मुझे पता है कि एक अच्छी ब्यूटिशियन या अच्छा यू नो जो सर्विस होती है वो किस तरीके की होती है। फाइनली मैं इस पे लैंड अप करी गेट लुक पे। गेट लुक मेरे लिए तो यू नो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जैसा हो गया कि हाँ, जब मैं बाहर नहीं जा पा रही थी तो पार्लर ये चीज एकदम स्टार्ट हुई जोधपुर में, और घर पे आना शुरू हुआ, तो मुझे किसका ऑनेस्ट रिव्यू देना था, ऑनेस्ट फीडबैक देना था, इसलिए मैंने आज ये पूरा वीडियो शूट करा। आज मैंने बुलाई अभी जस्ट
4 बज रहे हैं अभी और आई जस्ट टुक अ बाथ, मैंने बाल धोए हैं अपने और मुझे इतना रिलैक्सिंग लग रहा है। मेरा मेरा इतना दिनों से, 2-3 दिनों से सर दर्द कर रहा था, इतना रिलैक्सिंग मुझे लग रहा है। पेडिक्योर बहुत अच्छी करके जाती हैं। आप इनसे ये मत एक्सपेक्ट करिए कि बिल्कुल ही 5 स्टार वाला आपको ट्रीटमेंट देंगे, नहीं, क्योंकि वो आपके घर पर आ रहे हैं, आपके घर का एनवायरमेंट है, वो जितना आपको कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन अगर आप ये वाला, आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे हम किसी 5 स्टार में या एकदम बहुत ही अच्छे पार्लर में जब जाते हैं, ब्रांडेड पार्लर में जाते हैं, तो जैसा वहां पे ट्रीटमेंट होता है बिल्कुल वैसा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत एकदम नॉमिनल भी नहीं है, बहुत बेसिक भी नहीं है, बहुत अच्छा है, रिलैक्सिंग है। अब जो चीज आपके घर पे हो रही है तो वैसे भी वो आधे से ज्यादा रिलैक्स हो ही जाता है। जब आप अपने घर पे होते हो तो वैसे ही रिलैक्स रहते हो कि हाँ घर पे बैठे हैं, आराम से हो जाएगा सारी चीजें। तो ये बेनिफिट है इस चीज का। तो आप इसको ट्राई करिए गेट लुक को, और आप बताइए कि आपका क्या फीडबैक है। सो आज का ब्लॉग इतना ही था। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट अ लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपने भी क्या गेट लुक की सर्विसेज ली हैं। अगर ली हैं तो मुझे भी बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच, अभी आने वाले टाइम में इस वीक में मैं नायका हॉल सीरीज लेकर आने वाली हूँ। जो अभी नायका पिंक लव सेल चल रही थी 11 to 19 February, मैंने उसमें बहुत सारी चीजें ऑर्डर करी हैं जो मोस्ट अवेटेड थी, लाइक यू नो व्हाट, फॉर एजेस से अवेटेड थी कि हाँ मुझे वो करनी है ऑर्डर, और मैंने फाइनली ऑर्डर करी है बहुत सारी चीजें। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीजें ऑर्डर करी हैं, मैंने क्या क्या मंगाया है और मेरे क्या रिव्यूज हैं। और बहुत जल्दी मैं स्किन केयर रूटीन, लाइक नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के ऊपर वीडियो लेकर आने वाली हूँ। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइनअप हैं और आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड, तब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।